of you. So today we are going to discuss about the reflections occurred from the two type of mirror, concave as well as convex, and the some important terms associated with this both type of mirror. Okay, so let us start. सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि इसमें कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है. और एक्चुअली ये दोनों टाइप ऑफ मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है. ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं अपने. फॉर एग्जांपल अपना एक सर्कुलर स्पीयर है. ठीक है, सर्कुलर स्पीयर, राइट. अब ये सर्कुलर स्पीयर को आप सेक्शन कर देना, मतलब कि आपको उसको कट कर देना है, राइट. अब कट करने के बाद, ठीक है, अब जो हाफ पोर्शन जो दोनों अपना बच जाएगा, ठीक है, एक पोर्शन ये और जो दूसरा उसका हाफ पोर्शन था उसको आप सेकेंड पोर्शन पर रख सकते हो. मतलब एक्चुअली ये स्फेरिकल मिरर का ही दोनों पार्ट है. ठीक है, अभी अपने को जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अपने ऐसा समझ रहे हैं. बट अब इसमें से कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो अपने को याद रखने के लिए जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अपने उसको कैसे याद रखेंगे, कॉनकेव. क्या बोलेंगे, कॉनकेव. तो केव मतलब क्या होता है, गुफा, राइट. ठीक है, तो जो भी लाइट रेज गुफा के अंदर की तरफ जाएगी, जो भी लाइट रेस गुफा के अंदर की तरफ जाएगी वो मिरर होगा कॉनकेव. तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि लाइट रेस कहां जा रहा है, गुफा के अंदर जा रहा है. दैट मींस ये वाला क्या होगा, कॉनकेव. जबकि ये वाला लाइट रे आप देख सकते हो कि गुफा के अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ वो इंसिडेंट कर रहा है. दैट मींस ये कॉनकेव है. तो दूसरा टाइप का जो मिरर है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स. ये जस्ट फॉर अवर सिंप्लिसिटी अपने को याद रखने के लिए अपने ने इस तरीके से पढ़ा, राइट. अब अपने साइंटिफिक वे में या डेफिनेशन वाइज कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करें, तो जो कॉनकेव मिरर एक्चुअली वो ऐसा टाइप का मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स हो. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स हो उसको अपने क्या बोलेंगे, कॉनकेव. यहां पर रिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ. रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, अंदर की तरफ, राइट. तो उसको अपने बोलेंगे कॉनकेव. और जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. यहां पे किस तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ. या उसका दूसरा डेफिनेशन, जो मिरर में पॉलिश्ड सरफेस आउटसाइड हो, वापस रीडिफाइन कर रहा हूं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो या पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड हो, वैसे टाइप ऑफ मिरर को अपने बोलेंगे कॉनकेव मिरर. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो और पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड हो, वैसे टाइप ऑफ मिरर को अपने बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, राइट. यहां तक आपको पता चला कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है. अब आइए अपने देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन फिनोमिना. तो बोथ टाइप ऑफ मिरर जो है वो दोनों अपने अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन करते हैं. ठीक है, ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन करते हैं, एक्चुअली आपको अभी मैं जस्ट समझाने जा रहा हूं कि जो रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो कहां था, अंदर की तरफ, राइट. तो अंदर की तरफ ही वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो मैंने यहां पे अलग रे अलग कलर से मैंने उसको इंडिकेट भी किया है कि सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है. अब ये ऑब्जेक्ट का जो लाइट रे है, ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस. अपने को पता है दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस. तो जैसे अब वो अपने को कब विजिबल होगा, जब उस पर लाइट रे गिर रहा है. और उसका लाइट रे कहां आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कहीं पे एक मिरर में, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट का जो लाइट रे है वो पैरेलली आके बहुत सारे, एक दो तीन, देखो तीन तीन रे आ रहे, राइट. तो तीनों रे आके जब मिरर पे इंसिडेंट करेगा, उसके बाद वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, कॉनकेव था, तो अंदर की तरफ. तो अंदर की तरफ उसने रिफ्लेक्ट किया और सबके सब रे आप नोट डाउन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट एंगल. कौन सा वाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप याद करियो, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, राइट. बट आप बोलोगे सर यहाँ थीटा आई थीटा आर कहाँ हुआ, होगा आप यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मल लाइन एक बनाते हो, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन अगर आप इस पॉइंट का बनाते हो, मतलब कि टेंजेंट बनाते हो, 90 डिग्री बनाते हो, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको अपने बोलेंगे थीटा आई. वैसे नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा उसको बोलेंगे थीटा आर,
राइट वैसे आप इस तरफ भी देख सकते हो तो इस तरफ भी सॉरी अगर आप इस तरफ भी ऐसे एक टेंजेंट पॉइंट बनाओगे तो इसके साथ जो इंसिडेंट एंगल होगा वो होगा थीटा आई और जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो क्या होगा थीटा आर और अपने को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर राइट तो ये दोनों के दोनों जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पे भी लाइट रे इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है वो भी रिफ्लेक्ट बट यहां पे ये लाइन जो है इसका टेंजेंट बनाओगे तो क्या होगा 90 डिग्री मतलब थीटा आई इज इक्वल टू थीटा बराबर और वो दोनों थीटा आई भी 90 है थीटा आर भी 90 है इसलिए वो वापस स्ट्रेट रिफ्लेक्ट होगा क्लियर तो इस तरीके से जो तीनों लाइट रे आके रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मीट करता है ठीक है वो तीनों लाइट रे कहां मीट कर रहा है एफ पे मतलब फोकस पे अभी अपने ये सारे टर्म्स पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है फोकस क्या है पोल क्या है ये सी एफ पी से क्यू इंडिकेट किया है सब कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन बट अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन हमेशा क्या हो रहा है पता चल गया कॉनकेव मिरर में पैरेलल लाइट रेज जब भी आएगा इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट होगा और वो सबके सब लाइट रे कहां आके इंसिडेंट हो रहे एक इनवर्ड अंदर की तरफ ठीक है इनर साइड ऑफ द मिरर पे उसका इमेज बन रहा है जब दो या तीन या मोर देन टू लाइट रेज जब मर्ज होते हैं आके ठीक है जब दो या तीन या उससे ज्यादा लाइट रेज जब आके एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं एक पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट पे हमेशा क्या बनेगा इमेज ठीक है ये सब पॉइंट्स आप थोड़ा याद रखिएगा अब आने वाले लेक्चर में अपने को बहुत यूज होगा सिमिलरली अब यही जो कंसेप्ट यहां यूज हुआ अब यहां यूज करिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है अब इसका जो लाइट रे आया इंसिडेंट हुआ और ये कहां की तरफ हुआ आउटवर्ड की तरफ राइट क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहां है आउटवर्ड और पॉलिश सरफेस कहां है इनवर्ड तो पॉलिश से तो कभी रिफ्लेक्ट होगा नहीं राइट तो ये जो अब ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट कहां होगा इसके टेंजेंट के हिसाब से ठीक है इस पॉइंट के टेंजेंट के हिसाब से तो ये हो गया थीटा आई और ये हो गया आपका थीटा सिमिलरली इसके टेंजेंट के हिसाब से ये हो गया थीटा आई और ये हो गया थीटा तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आप ये नोट डाउन करो ये लाइन यूं जा रही है और ये लाइन यूं जा रही है तो ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेगा तो इमेज कैसे बनेगा इसलिए इसका इमेज हमेशा कहां बनता है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर क्या सेंटेंस यूज करोगे ऑन द अदर साइड और इसमें क्या सेंटेंस आप यूज कर सकते हो ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर ठीक है ध्यान रखिएगा एक ऑन द अदर साइड बोलोगे और एक क्या बोलोगे ऑन द सेम साइड इन फ्रंट ऑफ मिरर ऐसा भी बोलते हैं ना अपने राइट बस वैसा ही क्लियर तो अब ये सारे लाइट रेस को मुझे वापस मीट करवा के इमेज बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा तो उसका जो पीछे एक्सटेंड करके मैंने जो इमेज दोनों लाइट रे को मैंने इस पॉइंट से एक्सटेंड किया और वापस यहां पे भी जो मीट करवाता हूं तो वो पॉइंट कहां पे आके मीट कर रहा है दोनों लाइट रे कहां आके मर्ज हो रहा है फोकस पे क्लियर तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन फिनोमिना समझ में आ गया ये आउटवर्ड रिफ्लेक्ट होता है और उसका इमेज चाहिए तो अपने को किस टाइप का इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज और ये वाला कैसा है रियल इमेज याद करो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बताया रियल इमेज क्या है वर्चुअल इमेज क्या है ओके तो ये कहां बनेगा ऑन द अदर साइड ये कहां बनेगा ऑन द सेम साइड क्यों क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम साइड है ऑन मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है इनर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है आउटवर्ड इसलिए दो लाइट रे कभी मर्ज नहीं हो सकता तो इसलिए अपने उसको मर्ज करवाया ठीक है एक्सटेंड करवा के उसको मर्ज करवाया अब अपने एक एक टर्म्स के बारे में थोड़ा डिटेली समझते हैं इट इज वेरी सिंपल फिनोमिना जस्ट आपको समझना है और आप उसको ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो ठीक है जैसे अपार्चर तो अपार्चर क्या है अपार्चर व्हाट इज अपार्चर अपार्चर मींस द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर ठीक है तो ये जो स्फेरिकल मिरर था उसको अपने ने सेक्शन कर दिया तो उसका जो रिफ्लेक्ट डायमीटर है यहां से लेके यहां तक मतलब ये जो पूरा पार्ट है एक्चुअली डायमीटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एरिया है एक्चुअली जितना एरिया है मिरर का जितना एरिया है उसको अपने क्या बोलेंगे अपार्चर डायमीटर जो है एक सर्कल का जो डायमीटर है उसका पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसको अपने क्या बोलेंगे अपार्चर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने ए दे दिया और इसको बी दे दिया तो यहां पे अपार्चर कौन है अपार्चर है मेरा ए बी अपार्चर कौन है मेरा ए बी क्लियर अपार्चर समझ में आ गया अब उसके बाद अपने क्या करेंगे पोल तो पोल क्या है व्हाट इज पोल तो एकदम सिंपल है कि जो
अपार्चर था एक्चुअली, जो डायमीटर था रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, पोल। मतलब द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपार्चर बोल सकते हैं, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं, या द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर बोल सकते हैं, उसको अपने क्या बोलेंगे, पोल। क्लियर? तो यहां पे पोल को किससे हम इंडिकेट करेंगे, पी। अब आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये मिरर के आउटसाइड होता है, मिरर का मतलब के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या मिरर का पार्ट नहीं है वो, एक्चुअली वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर है, उसको सेक्शन करना था तो उसको अपने ने काटा कहां से था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई भी पार्ट नहीं है, वो उसका पार्ट नहीं है, वो उसके बाहर है, ठीक है, वो उसके बाहर है, आउटसाइड द मिरर है। ये पॉइंट खास याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहां होता है, आउटसाइड द मिरर। और ये कहां से, ये सेंटर, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपने सेक्शन करते हैं, किसको, स्फेरिकल मिरर को, जो सेंटर से काट दिया जाता है मिरर के लिए, ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाने के लिए, तो वो पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब द लाइन, एक ऐसा लाइन, ठीक है, एक ऐसा लाइन, ये था अपना अपर्चर, ये क्या था, पोल। ये तीन पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक ऐसा लाइन, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इट इज वेरी सिंपल, प्रिंसिपल ये मेन लाइन है। तो अब आप नोट डाउन करो, जो लाइट रे सब इंसिडेंट होने के बाद आके जो मीट कर रहा था, जो मर्ज हो रहा था, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, यहां से इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जहां पे आके मीट कर रहा था, वो पॉइंट फोकस, मतलब मीट हो रहा है, मतलब इमेज बन रहा है, सारे के सारे लाइट रे आके मीट कर रहे एक पॉइंट पे, तो वहां पे उसको अपने बोलेंगे फोकस। बट ये फोकस को प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला है, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, इसीलिए ये एफ का नाम, ये फोकस का नाम प्रिंसिपल फोकस हो गया। क्लियर? अपने कहीं पे कंसंट्रेट करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां पे भी सारे लाइट रे आके क्या कंसंट्रेट हो रहा है एक पॉइंट पे, बट वो पॉइंट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसीलिए उस पॉइंट का नाम क्या बोल दिया गया है, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सॉरी दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दोनों में ज्यादातर लोग गाइस इसको C से डिनोट किया जाता है और इसको R से, तो ये दोनों को लोग ज्यादातर सेम बोलते हैं, एक्चुअली वो सेम नहीं है। C मतलब एक पॉइंट है जहां से मिरर को सेक्शन किया गया था, स्फेरिकल मिरर, टू फॉर्म अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जबकि R जो है वो क्या है, द डिस्टेंस। R क्या है गाइस, एक्चुअली ये जो लाइन था ना, तो ये C से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपने बोलते हैं R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको अपने क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से आप कोई भी डिस्टेंस मापोगे तो वो क्या निकलेगा, एक्चुअल रेडियस निकलेगा, राइट? क्योंकि ये डायमीटर था, ये डायमीटर था ना, पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, तो ये डायमीटर का जो पॉइंट होगा उसका हाफ क्या होगा, रेडियस। तो यहां से आप कोई भी पार्ट उठा के आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा, रेडियस, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? क्लियर हुआ? अब गाइस और एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था, फोकल लेंथ जो था वो क्या था, ये पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, राइट? यहां तक ओके। अब पोल का मतलब, अरे फोकस क्या था, सॉरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में हमने क्या देखा था कि फोकस यहां पर, राइट? तो एफ प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली उसको अपने क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ। मतलब क्या डिफरेंस है पता चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट था, वैसे प्रिंसिपल फोकस भी क्या था, पॉइंट था, पॉइंट। बट वहां से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है उसको अपने जैसे कैपिटल आर से मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से इंडिकेट करते हैं, वैसे प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली उसको अपने क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर? तो सारे टर्म्स आई थिंक सो आपको, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्लियर? और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं और उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है,
आपको आई थिंक सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू. वेरी वेल. ओके.